बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, नॉर्मली हम दो आई से तो देख ही रहे होते हैं, लेकिन अगर तीसरी आंख एक्टिव हो जाए, यानी आपकी थर्ड आई एक्टिवेट हो जाए, तो उसका ज़िंदगी के ऊपर क्या इम्पैक्ट आता है। और अक्सर लोग उसको एक्टिव भी करते हैं और उसके असरात भी उनके लिए बहुत ज़बरदस्त होते हैं। तब सवाल ये पैदा होता है कि क्या वो तीसरी आंख कहीं हमारी बॉडी के अंदर अलग से है जिसको हमें एक्सप्लोर करना है, या हम सोचेंगे कि मेरे पास तो तीसरी आंख है ही नहीं, या हमने कोई देखा ही नहीं कि किसी के पास कोई थर्ड आई भी है। थर्ड आई का मतलब होता है कि जो आपकी ये दो आंखें देख सकती हैं उससे आगे, यानी ये दो आंखें ना देख पाएँ उससे आगे आप देख लें, वो आपकी थर्ड आई होती है। यानी विजन, चीज़ों के बारे में आपकी परसेप्शन, के बज़ाहिर जो नज़र आ रहा है उससे आगे देखना, ये होता है थर्ड आई। तो इसको जब आप एक्टिवेट कर लेते हैं या ये एक्टिवेट हो जाती है, तो आप वो चीज़ें देखना शुरू हो जाते हैं जो नॉर्मली लोग दो आंखों से देखते हैं तो उनको नज़र नहीं आता। अगर आप अच्छा लीडर बनना चाह रहे होते हैं, आप सोशल बिहेवियर को पढ़ना चाह रहे होते हैं, या आप अच्छी प्लानिंग करना चाह रहे होते हैं, तो उसके लिए थर्ड आई का एक्टिवेट होना बड़ा ज़रूरी होता है। तो अब इसको हम एक्टिवेट कर कैसे सकते हैं? थर्ड आई यानी आपका विजन, चीज़ों को देखने का एक एंगल, उसके लिए दो तीन रिक्वायरमेंट्स होती हैं। नंबर वन, तो आपका हेल्दी बॉडी, कि आपकी हेल्थ बिल्कुल फिट हो, इसके ऊपर आप गौर करेंगे, इसका ख्याल रखेंगे। नंबर टू, आपका नॉलेज, आपकी लर्निंग, आपकी सराउंडिंग के बारे में क्या कुछ होता है उसके बारे में जानना, फिर एक्सपीरियंसेस, बुक रीडिंग, नई चीज़ें लर्न करना, और मुख्तलिफ जो सोशल बिहेवियर्स हैं उनको स्टडी करना। जैसे अगर मैं आपको एक मिसाल दूं कि आप रूटीन में कई रस्तों से गुज़रते हैं, मुख्तलिफ तरह की आवाज़ें भी आप सुनते हैं, लेकिन कभी हम गौर नहीं करते। लेकिन एक वो आदमी जो इन चीज़ों को अंडरस्टैंड करता है, तो वो जहाँ से भी गुज़रता है इन चीज़ों को वो एक्सपीरियंस कर रहा होता है, तो वो नेक्स्ट कहीं से भी गुज़रे और वो कुछ साउंड्स को जब देखता है कि वो फौरी से परसीव करता है, अच्छा ये साउंड्स तो फलां जगह से थी, ये तो वो एरिया है, उस जगह पे ये साउंड्स आती हैं। मतलब क्या है कि अगर आप उस बंदे की आंखों को बंद भी कर देते हैं, तो वो अपनी सराउंडिंग की आवाज़ों से ये अंदाज़ा लगा लेता है कि मैं इस टाइम पे प्रोबेबली कहाँ पे हो सकता हूँ, इस तरह की आवाज़ें किस एरिया से आती हैं। या अगर आप सुबह वॉक के लिए जाते हैं किसी गार्डन में या किसी पार्क के अंदर, तो आप नॉर्मली, क्योंकि इस जगह पे हम नॉर्मल रूटीन में जा रहे होते हैं, तो हम देखते हैं कि इस एरिया में जाएंगे तो सुबह सुबह परिंदों की आवाज़ें आएंगी, उनके चहचहाने की आएंगी, तो हम अगर हमारी आंखें बंद भी हो जाएंगी और कोई हमें वहाँ पर ले जाएगा, तो हम क्या अंदाज़ा लगाएंगे? जब हम उन बर्ड्स की आवाज़ सुनते हैं तो हम अंदाज़ा लगा लेते हैं कि मैं किस तरह के एरिया में हूँ। बेसिकली ये थर्ड आई होती है। तो अपनी ज़िंदगी में चीज़ों को परसीव करना, अपने विजन को बढ़ाना, अपने नॉलेज को बढ़ाना, ये बेसिकली अपना थर्ड आई को एक्टिवेट करना होता है। तो अगर हम ज़िंदगी के अंदर अच्छी प्लानिंग चाह रहे हैं, कामयाबी चाह रहे हैं, दूसरों से आगे देखना चाह रहे हैं, तो उसके लिए ज़रूरी होता है कि जो नॉर्मल वे में हम देखते हैं या सुनते हैं उससे एक स्टेप आगे जाना, तो वो होता है थर्ड आई एक्टिवेशन। तो ज़िंदगी में अगर हम अपने आप को थोड़ा आम रूटीन से, नॉर्मल वे से सक्सेस की तरफ ज़्यादा स्पीड से आगे जाना चाह रहे होते हैं, तो फिर थर्ड आई का एक्टिवेट होना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि ये आपको बताता है कि क्या चीज़ सुपीरियर होगी, क्या इन्फीरियर होगी। सेल्फ आइडेंटिटी सबसे बड़ी चीज़ है कि आप इसके अंदर सेल्फ आइडेंटिटी कर लेते हैं कि मेरी कैपेबिलिटीज़ क्या है, मैं चीज़ों को कितना आगे से जाके देखने की काबिलियत रखता हूँ, मैं कितना इस काबिल हूँ कि एक चीज़ अगर मेरे सामने है तो मैं उससे ये अंदाज़ा लगा लूँ कि इसका आफ्टर इफ़ेक्ट या इन फ्यूचर, ये जो आज इंस्टांस हो रहा है, इसके फ्यूचर के क्या कम्प्लिकेशन या क्या इसके असरात हो सकते हैं। तो ये थर्ड आई आपको बताती है। तो नॉर्मली लाइफ के अंदर हम इसका यूज़ कम करते हैं, जो लोग करते हैं वो आगे भी बढ़ जाते हैं। तो बेसिकली आज का मैसेज यही था
कि हम अपनी थर्ड आई को एक्टिवेट करें अगर हम आगे बढ़ना चाहते हैं।